अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन विद बॉटल गार्ड। चिकन के साथ आज हम घिया बनाने जा रहे हैं। वैसे तो आप इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। आसान सी रेसिपी है चिकन की, मज़ेदार लगती है बहुत, आपको बहुत पसंद आएगी, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 kg लिया है चिकन। अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है और 1/2 kg चिकन में हम डालेंगे तकरीबन 400 ग्राम घिया। इसको भी हमने अच्छे से कट करके वॉश कर लिया है। देखिए इतने बड़े बड़े पीसेस में हमने इसको कट कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कुकर ले लेंगे और इसके अंदर 1/2 कप तेल को डालकर गरम कर लेंगे। तेल हमारा तकरीबन 100 ml के करीब है। इसको मैंने गरम कर लिया है हल्का सा। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे चिकन और चिकन को डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसको चलाते हुए फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। चिकन का कच्चापन हमें अच्छी तरह से खत्म करना है तो अच्छे से भून लेंगे इसको। तो ये लीजिए, चिकन को हमने फ्राई कर लिया 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसका कच्चापन पूरी तरह से खत्म हो गया है और चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, देखिए। तो इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं वापस बॉल के अंदर। चिकन को बाहर निकालने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे हम थोड़े से साबुत गरम मसाले, जिसके अंदर हमने 1/2 teaspoon जीरा लिया है, 2 हरी इलायची ली हैं, 2 लौंगे हैं और थोड़ी सी हमने काली मिर्च और 1 बड़ी काली इलायची ली है। इसको अच्छे से सौटे करेंगे तेल में ताकि इसकी खुशबू रिलीज हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज, जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम इसको चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे हल्का सुनहरी होने तक। तो ये लीजिए, प्याज हमारी हल्के गोल्डन कलर की फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भरकर जिंजर और गार्लिक पेस्ट और इसको भून लेंगे प्याज के साथ। और लहसुन अदरक के पेस्ट के भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो इसमें हम डालेंगे 2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 हो गए 2 हो गए, और 2 teaspoon ही हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर और 1/4 teaspoon के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और 1 teaspoon लास्ट में ऐड कर देंगे इसमें नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इस वक्त हमने स्लो किया हुआ है ताकि मसाले हमारे जले नहीं, और स्लो फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। इस तरह से भूनने से मसाले बहुत जल्दी से भून जाते हैं। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह से भूनेंगे स्लो फ्लेम पर। ये लीजिए, 30 सेकंड के लिए हमने इसको भून लिया। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको भूनेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको भूनते जाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे टोटल मसाले को भुनने में। अच्छे से भुनना है ताकि इसकी रॉय स्मेल खत्म हो जाए और मसाला हमारा फट जाए अच्छी तरह से। ये लीजिए दोस्तों, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, अच्छे से फट गया है मसाला हमारा, सारी रॉय स्मेल इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर घिया डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 medium size के कटे हुए टमाटर। बहुत ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं करना है इनको, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को मसाले के साथ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 100 ml के करीब पानी। उसको कवर करके रख देंगे, इसमें तकरीबन 2 से 3 whistle लगा लेंगे ताकि घिया हमारी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, क्योंकि चिकन को टेंडर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 2 whistle हम इसमें चिकन के साथ लगाएंगे, बाकी 3 whistle हम इसके साथ लगा लेंगे घिया के साथ। 3 प्रेशर आ जाने के बाद कुकर को हमने खोल लिया है इसका प्रेशर आउट करके, और ये देखिए इसका फाइनल लुक। घिया हमारी तकरीबन 80% तक टेंडर हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि एक हैंड मैशर ले लेंगे और इस तरह से इन्हें दबाते हुए हल्का सा मैश कर लेंगे। इसे हम चिकन डालने के बाद मैश नहीं कर सकते हैं, वरना चिकन के जो पीसेज हैं वो भी मैश हो जाएंगे। तो इसे हम हल्का हल्का सा दबाते हुए मैश कर लेंगे।
फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लेंगे। देखिए हल्का हल्का सा हमने इसको मैश कर दिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 4 हरी मिर्चें जिन्हें हमने दो दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, कट कर लिया है। अब हम इसे दोबारा से कवर कर देंगे क्योंकि इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में पानी है, इतने में ही हमारा चिकन टेंडर हो जाएगा। तो इसे दोबारा से कवर करके इसमें 2 प्रेशर और लगा लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और जो घिया में कसर बाकी रह गई है वो भी अच्छे से गल जाए। चिकन के साथ 2 प्रेशर लगाने के बाद हमने फौरन गैस को बंद करके कुकर को खोल लिया है। इसे प्रेशर में नहीं छोड़ा है क्योंकि चिकन 2 प्रेशर में बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाता है। तो फ्लेम को हमने दोबारा से ऑन कर दिया है। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत पानी इसमें नज़र आ रहा है ये पूरी तरह से खुश हो जाए, क्योंकि ये घिया गोश्त खुश्क अच्छा लगता है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 15 से 20 पुदीने के पत्ते। अच्छे से मैंने इनको वॉश कर लिया है लेकिन कट नहीं किया है, साबुत ऐसे ही ऐड किया है। तो इसे हम बस 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो दोस्तों 2 मिनट भूनने के बाद सालन हमारा परफेक्टली कुक हो चुका है। इसकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, सरफेस पर आ गया है। ये हमारा रेडी है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और लास्ट में इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बस इसको कर लेते हैं मिक्स, उसके बाद हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार हमारा घिया चिकन बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन घिया गोश्त बनकर तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, स्पेशली किसी भी तरह की रोटी के साथ, पराठों के साथ या फिर चावल के साथ। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि ये सभी के साथ बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। मटन में इसको बनाने का तरीका अलग है, मटन और बीफ में, और चिकन में बनाने का तरीका अलग है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सभी के साथ मज़े का तो ये लगता ही है, साथ ही आपकी ये फेवरेट रेसिपी भी होने वाली है। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, मैं फिर हाज़िर होती हूँ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।